अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फैसल वली है और मैं रिप्रेजेंट करता हूं आइडियलाइंस पाकिस्तान को। आइडियलाइंस एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है दुनिया भर में प्रिंटिंग से रिलेटेड एनवायरनमेंट को बनाना, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, लोगों को ट्रेन करना, लोगों को ये सिखाना कि क्वालिटी प्रिंटिंग किस तरह से की जा सकती है और अपने जॉब्स को मेक रेडी जल्दी वो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास ऑनलाइन भी ट्रेनिंग है, ऑन साइट भी ट्रेनिंग है और मैं खुद भी क्वालिफाइड हूँ, मैं G7 एक्सपर्ट हूँ। और आइडलाइंस के लिए हमने यहाँ पर जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त किया है और मुख्तलिफ कंपनीज में हम उनकी G7 मास्टर ट्रेनिंग्स भी करा रहे हैं जिससे वो अपने स्टेबल प्रेस को स्टेबल भी कर सकते हैं और उनकी मेक रेडी भी फास्ट हो सकती है और वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में दे सकते हैं। वैसे मैं पापगाय का वाइस चेयरमैन हूँ और इस एग्जीबिशन के हवाले से हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा लोग आए हैं और हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। स्पेशली पंजाब साइड के लोग भी बहुत आए हैं, नॉट इवन इस जगह पर सिर्फ आपको कराची के लोग नज़र आ रहे हैं, मैं शायद केपी के और पंजाब खास तौर पे काफ़ी लोग आज, क्योंकि संडे था, लोग कल से आए हुए थे तो काफ़ी अच्छा आज हमें इस हिसाब से सेल्स के हवाले से जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। और बदर एक्सपो वालों ने कमाल काम किया इस बार और ऐसा लग रहा था जैसे वो पापगाय की टीम का हिस्सा है और एक एक आदमी ने जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी उठाई है और एक छोटी से छोटी कंप्लेन को जिस तरह से बदर वालों ने सीरियसली आकर सही किया है, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और हम अभी भी एक दिन कल का बाकी है और कल हम मोर पीपल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर और ज़्यादा आवाम इंशाल्लाह ताला आएगी क्योंकि कल वर्क डे भी है और आज वैसे ज़्यादातर लोग आए हैं, फैमिलीज़ के साथ भी आए हैं। और इस एक्सपो से फ़ायदा यह है कि लोग जो प्रिंटिंग के बारे में इतना जानते नहीं हैं उनको भी काफ़ी बेसिक नॉलेज यहाँ पे मिल गई है, ख़ासतौर पे बोर्ड वाले, पेपर वाले और प्रिंटिंग मशीन वाले, उनके प्री प्रेस, पोस्ट प्रेस, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट है और एक अच्छा स्कोप यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बन रहा है बिज़नेस का, क्योंकि हमने बहुत पहले कोविड फेस किया था, कोविड के बाद फिर कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी ख़राब थी, फिर अभी सैलाब का एक मसला था, तो ऑफकोर्स बिज़नेस इस हवाले से बहुत ज़्यादा डाउन था। लेकिन यहाँ पर देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग अभी भी काम करना चाह रहे हैं, बस एक उनको एक मौके की तलाश है जो ऐसा लग रहा है कि अब इंशाल्लाह ताला मिलने की उम्मीद है। और मैं खुद बजात खुद बहुत पुर उम्मीद हूँ कि बहुत पॉजिटिव हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये चेंज जो हमारे मुल्क में आ रहा है इसके अच्छे असरात हमारे ऊपर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।